खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। स्वर्ण माह के प्रथम सोमवार पर कंवरियों के चरण पादुकाओं को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष सरदार पदविंदर सिंह ने घाटों की स्वच्छता के साथ साथ कंवरियों को घाट पर बिठाकर दोनों हाथ प्रेम से जोड़कर संबोधित करते हुए कहा कि भगवा वस्त्र धारण करके जाति पाति धनी निर्धन ऊंच नीच आदि सभी भेदभाव को निरोहित कर दिया, जो समाज के लिए बहुत ही खुशहाली की बात है और हम सबको ये आपसी प्रेम बनाकर रखना है। सरदार पदविंदर सिंह ने तट पर कंवरियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को अपनी यात्रा बहुत ही शांति प्रेम करुणा स्नेह के साथ संपूर्ण करनी है, जिससे समाज में संदेश जाएगी ये शुभक्त कितने अच्छे सुंदर अनुशासित और सुशील हैं। आप इस कावड़ यात्रा से जो धर्म क्रम से दूर हो गए वे आपकी कावड़ यात्रा के प्रति श्रद्धा को देखकर वापस सतमार्ग पर आ जाएं। ऐसा आप सबको प्रयास करना छेद। सरदार पदविंदर सिंह के साथ घाटों को स्वच्छ सुंदर रखने में राजेश थापा, हरमन सिंह, दलजीत कौर, दिलीप ठाकुर, प्रदीप अजीत चौधरी आदि रहे। दर्शन हो रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और इनके चरणों में ये निवेदन करता हूं, आप जिस मंगल यात्रा के लिए जा रहे हैं बहुत ही राजी खुशी जाइएगा और जगह जगह जहां भी आप पड़ाव करें रास्ते में रुके आप पर्यावरण की चेतना जगाइएगा, क्योंकि आज के दौर में वृक्ष की बहुत आवश्यकता है और नशा पत्ती से दूर रहिएगा। युवाओं को नशे से बहुत बचाना है, अगर भारत को बचाना है, विश्व गुरु बनाना है तो युवाओं को नशे से मुक्त रखना है, तभी ये हमारा जो संकल्प है माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, वो पूरा हो सकता है। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ आप लोग बड़े प्यार करुणा स्नेह से जाइएगा और जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नशा क्षमता है उसको पूरा करिएगा। आप योगी जी मोदी जी कुछ वर्षा भी कर रहे हैं और आप लोग बहुत करुणा स्नेह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो संदेश है जन जन तक लेके जाइएगा, बहुत ही राजी खुशी जाइएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो और भोलेनाथ भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूरी करें। मैं सरदार पदविंदर सिंह यही आप लोगों के चरणों में और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अरदास करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।